गुड मॉर्निंग सर। देखो ध्यान से सीखो, कल मैंने आपको कैपिटल इशू करने का क्या है तरीका बता दिया था, ठीक है। मैंने आपको सेक्शन 23 को बहुत प्रॉपरली क्या किया था, कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था और मुझे लगता है आपको भी समझ आ गया था, दिक्कत नहीं आई थी आपको। मैंने कल क्या बताया था कि अगर शेयर बेचना है तो एक तो आप पब्लिक को सेल कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, ये आपको बताया मैंने। और तीसरा राइट इशू और बोनस इशू कर सकते हो, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें आगे आपको ये मैंने बताया है कि अगर एक पब्लिक कंपनी है तो वो तो तीनों मींस से जा सकती है, वो पब्लिक इशू भी जा सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, राइट इशू और बोनस इशू भी कर सकती है। लेकिन यदि एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ क्या कर सकती है, राइट इशू या बोनस इशू जा सकती है या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, मतलब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही शेयर ऑफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई थी। कल हमने इसको सहसंबंध चार्ट बना के किया हुआ था, ये हमने बनाया था, आपको ध्यान आया, ये हमने पढ़ा है ना। अब आगे बढ़ते हम लोग, अगर आपको ये समझ आ गया है तो अब हम लोग आते हैं प्रोस्पेक्टस के कंसेप्ट पर। मान के चलते हैं कि देखो पब्लिक इशू है, पब्लिक इशू है मतलब पब्लिक को शेयर ऑफर करना था, ऑफर करने के लिए पहले पब्लिक को इनवाइट तो करना होगा। तो जो इनविटेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसे पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि वो कंपनी के बारे में जाने और कंपनी में इन्वेस्ट करे, उस इनविटेशन डॉक्यूमेंट को बेसिकली प्रोस्पेक्टस कहते हैं। उस इनविटेशन डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मीनिंग एक बार पढ़ लो आप, प्रोस्पेक्टस रिफर्स टू इंफॉर्मेशन बुकलेट और ऑफर डॉक्यूमेंट ऑन बेसिस ऑफ विच इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ द इश्यूअर कंपनी। इश्यूअर कंपनी मतलब जो शेयर बेचने वाली है। इंफॉर्मेशन बुकलेट मतलब कोई भी ऐसा नोट या एडवर्टीजमेंट होता है जिसको पढ़ के आपको कंपनी की जानकारी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, मैं चाहता हूं अपने शेयर पब्लिक को सेल करूं, तो भाई पब्लिक को मेरा इन्फो भी तो होना चाहिए, मेरी जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। मेरे बारे में जानेंगे, उनको लगेगा कि प्रॉफिट का एस्पेक्ट है, तभी तो पैसा लगाएंगे। तो ये इन्फो देने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। और इस प्रोस्पेक्टस में ये जानकारी दे दी जाती है कि कंपनी क्या है, कैसे है। तो इसको पढ़ता है इंसान, अगर उसको लगता है कि हाँ सच में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है तो वो इन्वेस्ट करता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंपनी में ही है, आप कॉलेजेस में भी एडमिशन देने जब जाते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस ही दिया होता है जिसमें आपको कॉलेज के बारे में सब कुछ बताया होता है। आपको जमता है तो एज अ स्टूडेंट आप उस कॉलेज में एडमिशन देते हो, अदरवाइज नहीं देते हो। तो भाई सिंपल सा फंडा यही होता है कि आप किसी जगह पर पैसा तभी लगाओगे जब आपको वहां पे बेटर प्रोस्पेक्ट या सही अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो कंपनी में भी अगर क्या होता है, पैसा लगाना हो तो इंसान पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ता है। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इश्यूअर कंपनी मतलब जो शेयर बेचेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, एक डॉक्यूमेंट बनाए। ये डॉक्यूमेंट जो होता है बेसिकली नोटिस के फॉर्म में हो सकता है, कोई सर्कुलर हो सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट हो सकता है, ठीक है। नोटिस मतलब पब्लिक नोटिस, सर्कुलर मतलब जो सर्कुलेट होता है, या कोई एडवर्टीजमेंट हो सकता है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है जिससे पब्लिक को आप इनवाइट कर रहे हो कि वो आए और आपकी आके कंपनी की सिक्योरिटीज या शेयर्स खरीदे। आप बताओ पहले ये बात आपको समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? हाँ सर, समझ आ गया। यस सर। अच्छा, बाकी सुनो जो बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात को। प्रोस्पेक्टस में कौन सी जानकारियां होगी, तो जो सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके स्पेसिफाई किया है कि प्रोस्पेक्टस के कंटेंट क्या होने चाहिए, प्रोस्पेक्टस में वो चीजें लिखी होगी। ऐसा तब तक होगा जब तक सेबी कुछ अदरवाइज आपको पुट ना करने बोले, अदरवाइज पुट ना करने बोले। जब तक आपसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन सेबी नहीं मांगता तब तक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो कंटेंट बताया गया है प्रोस्पेक्टस में आपको सारे कंटेंट डालने होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इस पे कोई डाउट नहीं आया होगा। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को इशू किया जा रहा है नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में, जिसको देखकर पब्लिक आपकी कंपनी में सिक्योरिटी सब्सक्राइब करती है। अब देखो शेयर वर्ड नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सिक्योरिटीज वर्ड लिखा है।
सिक्योरिटी हर वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जो आपको स्पेसिफाइड तरह का राइट देती है। जैसे सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाता है मालूम है? सिक्योरिटी में आ जाता है शेयर्स, यहाँ लिख देता हूँ, सिक्योरिटीज में आ जाता है आपके शेयर्स आ जाते हैं, सिक्योरिटीज में आपके आ जाते हैं डिबेंचर्स, सिक्योरिटी में आ जाते हैं बॉन्ड्स, ये सब कुछ आ जाते हैं भाई। डिबेंचर और बॉन्ड एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है, ऐसे लोन है एक तरह से बोलो। डिबेंचर सिक्योर्ड है, बॉन्ड अनसिक्योर्ड है, और जो शेयर्स है वो कैपिटल का पार्ट है। तो कंपनी का भी शेयर बेचे या डिबेंचर बेचे या बॉन्ड बेचे, सब में प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल होता है, इसलिए बोला जाता है परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज। तो ये वर्ड यहीं पे आपको पता होना चाहिए और इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस की अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे एक कैटेगरी जो होती है उसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है मैं आपको बताऊं, तो ये एक सिंगल प्रोस्पेक्टस है, सिंगल प्रोस्पेक्टस है जो मल्टीपल इश्यूज में काम आता है। नॉर्मली क्या होता है, आप जितनी बार भी आईपीओ लाते हो, आप जितनी बार भी आप आईपीओ लाते हो, आपको प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन यदि आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस ले दिया है और इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, किसके पास रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तो इसका रजिस्ट्रेशन एबी एंड आरओसी के पास करवा दिया है, तो इसमें आपकी वैलिडिटी एक साल की है। एक साल तक आप जितनी बार भी शेयर इशू लाओगे आपको बार बार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप इसी प्रोस्पेक्टस का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मीनिंग आप टिक कर लो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल पब्लिक इशू। इशुअर, इशुअर मतलब कौन है, कंपनी है ना, इज परमिटेड टू ऑफर एंड सेल सिक्योरिटी टू पब्लिक विदाउट सेपरेट प्रोस्पेक्टस फॉर ईच पार्ट ऑफ ऑफरिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड। Under the Act, any class or class of company as the SEBI may provide by regulation in this behalf, may file shelf prospectus with registrar, registrar मतलब कौन, ROC. Such a prospectus is submitted at the stage of first offer of security, which shall indicate period of not exceeding one year as the period of validity of such prospectus. क्या लिखा, एक एक लाइन समझो। एक्ट में बोला गया है कि बेसिकली कोई भी कंपनी जिसको सेबी ने स्पेसिफाई कर दिया है, वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस किसको स्पेसिफाई किया है, सारी पब्लिक कंपनियों को और बैंकिंग कंपनियों को, ठीक है। वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है आरओसी के पास जमा कर सकती है, पहली बार जब वो शेयर ऑफर कर रही है, पहली बार प्रोस्पेक्टस बनाई है, तभी रजिस्ट्रेशन करा दे, तो रजिस्ट्रेशन कम से कम एक साल का मिल जाए, ठीक है। तो वैलिडिटी पीरियड आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ऑफर से, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, तो जब तक पूरा एक साल खत्म नहीं होता ये तब तक चलता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको शेल्फ समझ आ गया, शेल्फ में आपको डाउट नहीं है, हाँ या ना बताओ। हाँ सर, नहीं है डाउट। यस सर। बाकी लोग को, रिशिता, दाची, भुवन, नहीं है सर, डाउट नहीं है सर, क्लियर है अच्छे से। तो यस सर, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। अब ना बेसिकली नीचे आओ, इस टॉपिक को, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को थोड़ी देर में कर रहे हैं, इसको स्टार बना के रख रहा हूँ, इस पे आएंगे वापस। तो पहला आपको मैंने शेल्फ बता दिया, अब दूसरे प्रोस्पेक्टस पे आते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बेसिकली वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंप्लीट पर्टिकुलर नहीं होते, मतलब इसमें नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का कॉलम, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का कॉलम एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज का कॉलम ब्लैंक होता है। सारे डिटेल्स लिखे होंगे पर कितनी सिक्योरिटी या कितने शेयर बेचे जा रहे हैं और किस रेट पर बेचे जा रहे हैं ये बस नहीं लिखा होता। कारण क्या होता है आप समझ लो, नॉर्मली क्या होता है जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है ना, जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, पब्लिक को इन्वाइट करना है ना। किस चीज के लिए इनवाइट करना, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इसका मेन पर्पस है। अब इसमें दो रास्ते हो सकते हैं, एक होता है फिक्स्ड प्राइसिंग मेथड, इसमें क्या होता है प्रोस्पेक्टस डायरेक्टली इशू किया जाएगा और इसमें आपको स्पेसिफिकली बता दिया जाएगा कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर कर रही है
और किस फिक्स प्राइस पे कर रही है, आपको कंपनी प्राइस भी बता देगी कि 1000 रुपए का रेट है कि 500 रुपए का रेट है एक्सेट्रा। एक दूसरा मेथड भी होता है जिसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं बताए जाएंगे, ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, और प्राइस के साथ ऐसा किया जाएगा आपको कि आपको प्राइस की जगह एक प्राइस बैंड बता दिया जाएगा। प्राइस बैंड का मतलब होता है जिसमें एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब आपको क्या करना होता है, ये जो बैंड दिया है इसके बीच में बिड करना होता है, बोली लगानी होती है। जितनी पब्लिक बिडिंग करेगी उन बिडिंग को एक्सेप्ट किया जाता है और उन बिड के बेसिस पर या बोलियों के बेसिस पर एक फाइनल प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। मेजॉरिटी जो बिड लगाती है, मेजॉरिटी जिस प्राइस पर अग्री करती है उसको ही फाइनल प्राइस माना जाता है। और जब प्राइस मिल जाता है तो फिर इस प्राइस के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचने हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचने हैं, ये डिसाइड किया जाता है। तो इस तरीके को बुक बिल्डिंग कहते हैं। तो अगर आप फिक्स प्राइस मेथड से जा रहे हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है। और अगर आप बुक बिल्डिंग से जा रहे हो, बुक बिल्डिंग से जा रहे हो मतलब आप एक प्राइस बैंड देना चाह रहे हो और पब्लिक को बोल रहे हो कि बिड करे, फिर प्राइस डिसाइड होगा और बताएंगे कि नंबर ऑफ शेयर क्या है, तो इसमें तरीका ये होगा कि फर्स्ट आप सारे टर्म एंड कंडीशन बता दो और प्राइस बैंड दे दो। तो प्राइस बैंड जिसमें दिया रहेगा वो डॉक्यूमेंट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब जब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू हो गया उसके बाद क्या होगा, लोग बिड करेंगे, फाइनल प्राइस डिसाइड होगा, तो फिर आप क्या करना, सेकेंडरी फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करना और उसमें बताना कि बिडिंग के अनुसार हमने अब ये नंबर ऑफ शेयर रखा है और ये प्राइस ऑफ शेयर रखा है। तो मतलब आपका काम थोड़ा सा बढ़ गया। अब आप डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस इशू ना करके पहले क्या कर रहे हो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो जिसमें आपने एक बैंड बता दिया, एक लिमिट बता दी है जिसमें बोली लगनी है, फिर यार जब बोली लग जाएगी फाइनल प्राइस डिसाइड होगा तो फाइनल प्रोस्पेक्टस आप इशू कर लेना। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको ये बात समझ आएगी, सिर के ऊपर से गया आपके? यस सर, आ गए सर परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं सर, आ गए सर। अब इसका देख लो मीनिंग जो दिया है, मीनिंग आप पढ़ लो एक बार ताकि आपको डाउट ना रहे। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ क्वांटम, क्वांटम मतलब क्या होता है, नंबर है ना, और प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडेड देयरिन। इन सिंपल टर्म्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंटेन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू कंपनीज ऑपरेशन एंड प्रोस्पेक्टस बट डज नॉट इंक्लूड की डिटेल्स ऑफ द इशू सच एज इट्स प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर ऑफर। सब कुछ लिखा होगा, बस क्या नहीं लिखा होगा, शेयर का प्राइस क्या है, कितने में शेयर या कितने शेयर ऑफर किए जा रहे हैं। आगे इस बात को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। According to section 32 क्या बोलते हैं, a company proposing to make an offer for security may issue red herring prospectus prior to issue of prospectus। स्वाभाविक सी बात है, कभी भी prospectus issue होने से पहले ही red herring prospectus issue किया जाएगा। आगे देख लो, such prospect company proposing to issue red herring prospectus shall file it with ROC at least 3 days prior to opening of subscription list and offer। कितने दिन पहले करना होगा, जब आपकी बिडिंग हो जाएगी उसके 3 दिन पहले क्या करवाना है, आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करवाना है। या मैं दोबारा रिपीट करके ये भी बोल सकता हूँ कि आपकी ऑफर की जो डेट होगी, जिस दिन से आप शेयर ऑफर करोगे उसके 3 दिन पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के कंटेंट वही होते हैं जो प्रोस्पेक्टस के, इसमें भी वही ऑब्लिगेशन लगती है जो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में लगती है। और अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में कोई बदलाव है तो इस बदलाव को प्रोस्पेक्टस में दिखाया जाएगा। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, रेड हेरिंग का भी कंटेंट वही है, प्रोस्पेक्टस का भी कंटेंट वही है, लेकिन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अगर कोई चेंज आएगा तो आपको अपने मेन प्रोस्पेक्टस में बताना होगा कि क्या बदलाव आया या क्या वेरिएशन आया। आई होप आपको ये बात क्लियर है और इसमें डाउट नहीं है। तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, शेल्फ बता दिया, मैंने आपको रेड हेरिंग बता दिया। अब नेक्स्ट उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस वो होता है जो समरी कंटेन करता है।
जो समरी कंटेन करता है ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस की। नॉर्मली ये माना जाता है कि एक इंसान के पास शायद उतना टाइम नहीं रहता कि वो पूरा का पूरा क्या करे, प्रोस्पेक्टस पढ़ता रहे। तो क्या किया जाता है, जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, कंपल्शन कर दिया जाता है कि इस फॉर्म के साथ एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस लगा दिया जाए, जिसको पढ़ के एक जो इन्वेस्टर है वो आइडिया दे सके कि भाई इस कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली अब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या है, एक मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम मतलब शॉर्ट नोटिस है जिसमें कंपनी के साइलेंट फीचर कंटेंट है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे सेक्शन 33 साफ साफ क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन का फॉर्म अगर आप खरीद रहे हो तो उसके साथ हमेशा अब्रिज प्रोस्पेक्टस जो है अटैच होगा, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल ऑन रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय एनी पर्सन बिफोर क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन दिस एन ऑफर बी फर्निश्ड टू, अगर कोई अलग से भी मांगता है तो उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये बात मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे इसमें क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस शैल नॉट बी इशूड, ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, कब बताओ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये याद रखो, नंबर वन, अगर कोई बोनाफाइड इनविटेशन है जिसमें आप अंडरराइटिंग अग्रीमेंट में जा रहे हो, मतलब कंपनी अपने शेयर अंडरराइटर के थ्रू बिकवाना चाह रही है, या फिर ये माना जाए कि आप पब्लिक को शेयर ऑफर ही नहीं कर रहे हो, अपने पहचान के लोगों को या सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को कर रहे हो, तो पब्लिक इशू रही नहीं गया, तो उसमें बेसिकली माना जाएगा अब्रिज प्रोस्पेक्टस इशू करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सारी बातें पूरी रिपीट कर दे रहा हूँ, अब्रिज प्रोस्पेक्टस वो है जो बेसिकली ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस की समरी कंटेन करता है। सेक्शन 33 साफ साफ बेसिकली ये कहता है कि कोई भी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो बिना अब्रिज प्रोस्पेक्टस को लगाए नहीं दिया जा सकता, और अगर आपको कॉपी नहीं मिली है तो कंपनी से रिक्वेस्ट करके आप कॉपी दे सकते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें अब्रिज प्रोस्पेक्टस आपको क्या करना है, अटैच नहीं करना है, जैसा नंबर वन, अगर कंपनी ने अंडररिटिंग एग्रीमेंट करा दिया है, और नंबर टू, अगर शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं किए जा रहे हैं तब। अगर कंपनी ने अब्रिज प्रोस्पेक्टस नहीं बनाया तो ये माना जाएगा उस पर 50,000 रुपए का जो है वो जुर्माना लग सकता है या फाइन लग सकता है। आप बताओ, आपको ये कितना समझ आया? सर, अंडररिटिंग एग्रीमेंट क्या होता है? अंडररिटिंग एग्रीमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका जब शेयर ऑफर कर रहे हो, आप जब अपना शेयर ऑफर कर रहे हो पब्लिक को ना, तो एक रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 90% ऑफ द इशू होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं 1 करोड़ शेयर ऑफर किया हूं, 1 करोड़ शेयर अगर मैंने ऑफर करे हैं, तो ये माना जाता है उसके 90 लाख शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, तभी मेरे को अलॉटमेंट करने मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पहले तो ये बात समझ लो। अब क्या होता है, कंपनियों को एक फियर होता है, डर होता है कि उनको शायद मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिले, डर होता है 90% शेयर ना बिके, तो एक फैसिलिटी का यूज करते हैं जिसको अंडररिटिंग कहते हैं, जहां पर ये अंडररिटर एक पर्सन होता है, वो कंपनी को अश्योर करता है कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलेगा, एक तरह का इंश्योरेंस है, समझ लो, कमीशन देगा इसके बदले, अश्योर करेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और जितना भी शॉर्टफॉल होगा, जैसे कि मान लो 70% शेयर बिके, बिकने कितने थे 90, तो बच कितना रहा है, बीच का 20%, इस 20% को ये कंपनसेट करेगा। कंपनसेट करने का मतलब कहीं से भी बिकवा के देगा ये 20% शेयर, नहीं बिके तो खुद खरीदेगा, दैट्स अंडररिटिंग। कितना समझ आया? आ गया सर। कोई डाउट नहीं है, परफेक्टली क्लियर है? हाँ।
तो कंपनी ने अगर अंडर राइटिंग कराई है तो बेसिकली वो सिक्योर हो चुकी है, तो अब रिस्क प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर पब्लिक को शेयर ही ऑफर नहीं कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस ही नहीं इशू हो रहा है, जब प्रोस्पेक्टस नहीं इशू हो रहा है तो फिर आप पब्लिक प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या करोगे? गेटिंग माई पॉइंट? ये क्वेश्चन तुमको पूछेगा, ठीक है? ये हो गया। देन नेक्स्ट आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट, ठीक है? पहले फर्स्ट पैराग्राफ को थोड़ा सा प्रॉपरली पढ़ लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आना। डीम प्रोस्पेक्टस को मैं कुछ इस तरह से समझा सकता हूँ कि नॉर्मली आप अभी तक ये पढ़ते आए हो कि प्रोस्पेक्टस जो है वो डायरेक्टली किसको इशू किया जा रहा है? पब्लिक को इशू किया जा रहा है, आप तो यही पढ़ते आए हो। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, डीम्ड प्रोस्पेक्टस या ऑफर्स फॉर सेल, ये सिचुएशन है कि प्रोस्पेक्टस जो है वो पब्लिक को ऑफर ना करके एक इशू हाउस को ऑफर कर दिया गया। इशू हाउस को आप इंटरमीडियरी या मिडिलमैन भी कह सकते हो, इनको और भी नाम मैं दे सकता हूँ, इनको ब्रोकर फर्म भी कह सकता हूँ, इनको मैं मर्चेंट बैंकर भी कह सकता हूँ। आपने इनको प्रोस्पेक्टस इशू किया है, अब ये आपके भी आप में जनता से पैसे जुटवाएंगे या जनता से पैसे इकट्ठा करेंगे। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस या ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है जब कंपनी अपने जो प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है, वो किसको इशू करती है, या अपने शेयर्स बोल सकते हैं ज्यादा बेटर होगा, किसको इशू करती है? इशू हाउस को इशू करती है, और फिर इशू हाउस कंपनी के बदले में क्या करता है, उसे पब्लिक को ऑफर करता है, तो उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड वर्ड का मतलब ही अज्यूम्ड होता है, ठीक है? पब्लिक को ऑफर करे तो उसे ऑफर फॉर सेल या डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। तो सेक्शन 25 जो है कंपनीज एक्ट का, ये कहता है कि जब एक कंपनी अपने सारी सिक्योरिटी अलॉट करती है किसको, इशू हाउस को, ठीक है, ताकि वो आगे किसको, यहाँ पे देखो लाइन थोड़ा सा चेंज करूंगा, वेयर अ कंपनी अलॉट और अग्रीज टू अलॉट एनी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे टू इशू हाउस, ये लाइन यहाँ आनी चाहिए, टू इशू हाउस, इशू हाउस मतलब मिडिल मैन, है ना, विथ व्यू टू ऑल और एनी ऑफ द सिक्योरिटी बींग ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक इज मेड शैल ऑल पर्पस बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। इन सिंपल टर्म्स, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर और सेल ऑफ शेयर्स और डिबेंचर टू पब्लिक इज मेड, यहाँ पे अगेन कौन सा वर्ड आ जाएगा, टू इशू हाउस, shall for all purposes be treated as prospectus. The document offer for sale is an invitation to general public to purchase the share of the company through an intermediary such as issuing house or merchant bank. आपको ये जो notes दूंगा कहाँ कहाँ पे आपको टू इशू हाउस इंक्लूड करना है, इस पॉइंट पे, और ये देख लो इस पॉइंट पे इंक्लूड करना है, ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पे लाइन्स को एकदम अच्छे समझना होगा, जब कंपनी ने अपने शेयर किसको अलॉट कर दिया, इशू हाउस को, और फिर उस इशू हाउस ने किसको ऑफर किया, पब्लिक को, तो इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस या ऑफर फॉर सेल कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना, ये बताओ। यस सर। सर एक डाउट था। बोलना सर, कंपनी जो है डायरेक्ट पब्लिक को इशू करती थी ना? पब्लिक को इशू करती है मतलब बीच में उसको अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है इंटरमीडियरीज की, लेकिन इशू डायरेक्टली पब्लिक को होता था। लेकिन जैसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस है तो यहाँ पे सारे शेयर इंटरमीडियरी को दे दिए हैं, जैसे होलसेलर को दे दिया अपन सामान, वो अपने को पैसा दे दिया, होलसेलर जिस रेट में बेचना चाहे बेचे, वैसे हमने इंटरमीडियरी को शेयर दे दिया, उसने हमें पैसा दे दिया है, अब वो अपने रेट से आगे बेचे। जैसे तुम इंटरमीडियरी हो, तुमको 10 रुपए के रेट से मैंने सारे शेयर दे दिए, अब तुमको जिस रेट पे मार्केट में बेचना है बेचो, अपना पैसा निकालते रहना, कितना क्लियर है? ओके सर, पूरा सर, पूरा। तो इसमें डीम्ड प्रोस्पेक्टस में इतना पढ़ना, ये जो है ना लाइंस, ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना, आपको ये मेन पूछेगा। अब यहाँ पे सारे तरह के प्रोस्पेक्टस क्या है आपके मेनली खत्म हो गए हैं। अब एक सवाल यहाँ पर उठता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा आपको क्या है अच्छे से करना है। इस पे मैं आपको क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। सपोज करो एक कंपनी है अजय लिमिटेड, अजय लिमिटेड में अभी 4 शेयर होल्डर हैं, वैभव, लाची, ऋषिता और भुवन, आप चारों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, ठीक है? सपोज करो
कि आपके पास 100-100 शेयर्स है कंपनी के, 100-100 शेयर्स है। अब मैं बोलता हूं ये अजय लिमिटेड जो है पब्लिक ऑफर ला रही है जिसमें वो 1000 शेयर पब्लिक को बेचना चाह रही है, 1000 शेयर पब्लिक को बेचना चाह रही है। अब हो क्या रहा है, आप चारों जो शेयर होल्डर हो वो कंपनी को जाके बोलते हो कि टेक अवर शेयर्स, हमारे शेयर ले लो एंड सेल इट टू पब्लिक। तो आप लोग के पास कितने शेयर है, 400 शेयर है, ठीक है। आप बोल रहे हो हमारे शेयर को उठाओ और पब्लिक को बेच दो, हम आपकी कंपनी से निकलना चाह रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। आपको जो मैं बोला वो समझ आया? कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो बोल रहे हैं कि नए शेयर ना बेच के हमारे ही शेयर तुम क्या करो पब्लिक को ऑफर कर दो। अभी तुम 1000 शेयर पब्लिक को फ्रेश शेयर बेचोगे तो एक काम करो 400 शेयर हमारे लेके बेचो। कितना क्लियर है मेरी बात? हो सकता है शायद तक ये। तो इस पर सेक्शन 28 साफ साफ ये बोलता है कि कंपनी के कुछ मेंबर चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्टेशन लेकर अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये ऑफर डालेंगे जिसमें वो अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक को बेच दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस की कैटेगरी में ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर किन मेंबर्स को ये चॉइस दी गई है कि वो अपने शेयर पब्लिक को बेच सकते हैं? तो इंडिविजुअल्स को। सर शेयर तो वैसे भी ट्रांसफरेबल है ना, दिक्कत क्या है? तो मैं बोल रहा हूँ पब्लिक ऑफर आए कंपनी फ्रेश शेयर बेची रहती है, लेकिन आप बोल रहे हो फ्रेश शेयर मत बेचो हमारे ही शेयर देके ऑफर कर दो पब्लिक को। तो ये थोड़ा अलग कंसेप्ट हो जाता है, ध्यान रखो। इसमें मेंबर में इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें ये माना जाता है कि अगर ये चाहें तो अपने शेयर पब्लिक ऑफर कर सकते हैं, ठीक। पहले बताओ ये समझ आई कि नहीं आई बात? आ गई आगे। शैल कलेक्टिवली ऑथराइज द कंपनी हु शेयर वर ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक टू टेक ऑल एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफर फॉर सेल एंड ऑन देयर बिहाफ एंड दे शैल रिइंबर्स द कंपनी ऑल एक्सपेंस इनकर्ड बाय इट ऑन दिस मैटर। जो भी खर्चा वर्चा आएगा, क्योंकि हम अपने पर्सनल शेयर्स ऑफर कर रहे हैं ना, तो खर्चा वर्चा हम मेंबर्स खुद उठाएंगे, कंपनी के ऊपर ये खर्चा नहीं आएगा। कितना क्लियर है मेरी बात? पूरा सर। तो यहाँ पर जाके आपका पूरा प्रोस्पेक्टस और शेयर इशू का कंसेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया है। तो ये आज एकदम अच्छे से आप करोगे, पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको क्या करूंगा, एक रिकॉर्डेड लेक्चर आज भेजूंगा जिसमें आपको मैं इशू ऑफ शेयर का प्रीमियम डिस्काउंट एक्सेट्रा करा दूंगा। तो ये लेक्चर भी आज पढ़ दिए हो, नोट्स भेज दिए हो? नहीं भेजोगे इस तक? नहीं भेजो सर। नहीं भेजो सर। ग्रुप में अभी तुरंत नोट्स डाल रहा हूँ, आप उतना पढ़ लो और शाम तक मैं आपको क्या करूंगा, आगे का भी लेक्चर भेज दूंगा, उसको देख के आना। 20 मिनट का ही भेजूंगा, ज्यादा देर का नहीं, 20 मिनट निकालना, उसको पढ़ देना एक बार, ठीक है। तो ये आगे का मैं भेजूंगा, ठीक है बेटा। इतना आज क्या सुनो ना, बोलो ना। हाँ हाँ, हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो सिर्फ पब्लिक के लिए करते हैं कि प्राइवेट या फिर राइट इशू के लिए? बेटा प्राइवेट के लिए तो बेसिकली ये माना जाता है आप एक सर्कुलर या ऑफर डॉक्यूमेंट ही काम कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस सिर्फ पब्लिक के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आप ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए बोलोगे तो उसके लिए ऑफर लेटर का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? ऑफर लेटर, ठीक है। आपको पढ़ना है, ठीक है। आज का ये है बेटा, ये करो जी सर। ओके सर, बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू।